खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शराब तस्करी के लिए लूटे गए गैस सिलेंडर, ऐसा तरीका देख के पुलिस भी रह गई हैरान। चलिए पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आप लोगों को भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो तस्कर है, जो तस्करी करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, उससे आखिरकार जहाँ पर ये शराब पहुँचती है वो शराब से हालांकि शरीर को तो काफी ज्यादा हानिकारक होता ही है, पर ये तरीके जिस तरीके से अपनाए जाते हैं उससे और भी ज्यादा ये खराबी करती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में शराब जो है वो बंद की गई है, यानी कि वहां पर शराब नहीं मिलती है। उस दौरान ही जो तस्कर हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं और पुलिस वाले जो हैं उनके हर एक प्लान को एक्चुअली में पर्दाफाश करते रहते हैं और कामयाबी हासिल करते रहते हैं। हालांकि काफी सारे तस्कर जो है वो कामयाब भी हो जाते हैं, पर इस दौरान ही जो पुलिस के हाथ में एक चोरी का मामला लगा और उस दौरान ही शराब की एक बहुत ही बड़ी केस को सॉल्व किया गया, ये काफी बड़ी कामयाबी जो है वो बिहार पुलिस के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बिहार के सिरसा में एक ट्रक में 160 गैस सिलेंडर चोरी किए गए और इसके बारे में जब वहां की पुलिस को पता चला तब पुलिस जो है वो काफी तेजी से एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद खबरी से पूछताछ की गई और खबरी ने सूचना दी कि हाईवे की तरफ एक्चुअली में ट्रक जा रहा है जिसमें 160 सिलेंडर भरे हुए हैं, तो ये लगता है कि ये वही सिलेंडर है जो कि चोरी किए गए हैं। तो पुलिस ने वहां पर हाईवे पे उस ट्रक को रोका, रोकने के बाद वहां पर सिलेंडर पकड़े गए 160 और 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उस दौरान ही गिरफ्तार करने के बाद 160 सिलेंडर क्यों चुराए गए थे इसके बारे में जब पूछताछ हुई और जब 60 सिलेंडर को खोल के देखा तब उसके ऊपर वाले हिस्से को कट करके उसके अंदर शराब भरी हुई थी और फिर उसको वेल्डिंग करके फिर दोबारा से फिक्स किया गया था कि कोई भी उनके ऊपर शक न करे कि इसमें एक्चुअली में शराब है। इस दौरान ही वहां के DCP संतोष कुमार ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सूचना दी और उन्होंने बताया कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सिलेंडर 160 सिलेंडर जो है वो एक्चुअली में चोरी हुए थे। ट्रक ड्राइवर जो है सिलेंडर लेके जा रहा था और 7 लोग उसके सामने आए और बंदूक की नोक पे उसको उससे सिलेंडर जो है वो चोरी कर लिए और उसकी आंख पे पट्टी बांध दी और उसको मारा पीटा और उसके बाद उसी जो ड्राइवर है उसी ने इसके बारे में सूचना दी थी। उस सूचना के आधार पे हमने ये जो छानबीन की और हमारे हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।